शनिवार को गुरुग्राम लोकसभा प्रत्याशी राहुल यादव फाजिलपुरिया के समर्थन में जेजेपी के रोड शो में उमड़ा जनसैलाब। काफिला सोना बाइका डंडे से घासेड़ा नूह मालव भादस बड़कली पिनंगवा पुन्हाना लोहिंगा साकरस फिरोजपुर झिरका मुंबई हाईवे तक निकाला गया, जिसमें किसान व कमेरा वर्ग की आवाज़ जन लोकप्रिय पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला व प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला शामिल हुए। यह मेवात रोड शो काफ़ी दमदार और असरदार रहा। दोस्तों, पार्टी गानों के बीच समर्थकों का जोश व उत्साह काबिले तारीफ रहा। देखिए आगे की रिपोर्ट क्या कह रहे हैं पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला। आज राहुल फाजिलपुरिया जो गुड़गांव लोकसभा से जननायक जनता पार्टी का प्रत्याशी है, उसके लिए रोड शो किया गया। भरपूर सोना से लेकर और अभी पिनगवा हम जा रहे, जो जोश और जन समर्थन 48 डिग्री के अंदर भी लोगों का दिखा है, मैं मानता हूँ इस बार मेवात जय हरियाणा जय मेवात के नारे के साथ जुड़कर जननायक जनता पार्टी के पक्ष में वोट डालने का भी काम करें और मजबूती के साथ राहुल फाजिलपुरिया को जिताएगी भी एक युवा सांसद चुनने का काम करेगी और एक ऐसा सांसद जो मेवात की प्रगति, गुड़गांव की प्रगति, हरियाणा की प्रगति की आवाज़ बनकर पार्लियामेंट में काम करेगा, चुनने का काम करेगी 25 तारीख को चाबी गवर्नर। और जिस तरीके से लोगों का आशीर्वाद मिला है, चाहे वो सोना के अंदर हो चाहे आगे हो, इस रोड शो के दौरान एक नया रिकॉर्ड मैं मानता हूँ मेवात की धरा है। सर, मेवात के जो मुद्दे हैं, चाहे रेल को लेकर हो, यूनिवर्सिटी को लेकर, जनता इस सोच के साथ वोट देते हैं कि हमारा विकास होगा। लेकिन सर, मेरे पास तो जो ताकत थी उसमें सबसे पहले ATL बैटरी नामक कंपनी को 180 एकड़ में रोज का मेव मेवात में हमने लाने का काम, और उसके बाद इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का पार्क 500 एकड़ में 500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के साथ रोज का मेव में बनाने का काम, जहां आपके मुंबई एक्सप्रेसवे के कट्स हैं एंट्री एग्जिट पर, उनके पास अब हमने पॉलिसी के अंदर बना दिया था कि इंडस्ट्रियल जोन भी हम परमिट करेंगे और NHAI के साथ मिलकर स्पेशल 200-200 एकड़ के हम नए वेयर हाउसिंग के बड़े सेंटर्स बनाएंगे, जिससे मोबिलिटी को और ज़्यादा फायदा। आज मेवात की प्रगति में पहली बार होगा कि इस तरह की इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा मिले। सर, मेवात के पूर्वी एक्सप्रेस वे पर एक सुबह दर्दनाक हादसा है। मुझे पता चला होशियारपुर पंजाब की एक बस थी जिसके अंदर कोई इंटरनल डिफेक्ट की वजह से आग लगी और 8 या 9 लोगों की जान गई। उनके सभी के परिवार के साथ हमारी सांत्वना है और मैं ऊपर वाले से यही दुआ करूँगा कि बच्चे जो पैसेंजर्स हैं जिनको चोट लगी वो जल्द स्वस्थ हों और परिवार जो लोग आज हमारे बीच में नहीं रहे उनके परिवार को परमात्मा शक्ति। तो दिख ही रहा है, वो साफ ही दिख रहा है कि आज जो दो प्रत्याशी राष्ट्रीय पार्टियों के हैं वो 5 साल तक सेवा कर पाएंगे ज्यादा से ज्यादा। जननायक जनता पार्टी ने तो वो उम्मीदवार उतारा है जो अगले 50 साल इस क्षेत्र की आवाज भी बन पाएगा, लोगों के लिए अवेलेबल भी है। फाजिलपुर तो गांव आपके मेवात से भी सारा 30-40 किलोमीटर, रेवाड़ी से भी 30-40 किलोमीटर, तो ये चीज़ साफ दिखाती है कि वो लोगों के बीच में रहकर लोगों की सेवा करने में सक्षम।